With the name of Allah Almighty, the most gracious, the most merciful. Respected students, you are listening to the voice of Sir Rana. Our contact number is 0305631946464. You are warm welcome in our academy. We are going to discuss 1914 by Philip Larkin. 1914 में वो दो life को discuss करता है, village life को city life को, दोनों का difference बताता है. 1914 कि जो वार है वर्ल्ड वार वार उसको बैकग्राउंड पे रखता है और आयरनी यूज करता है कि इसके बाद अमन हो जाएगा लेकिन दैट देयर वाज नॉट पीस. फर्स्ट 40 मिलियन पीपल किल्ड एंड आफ्टर दैट 80 मिलियन पीपल किल्ड. द पोएम इज अ सैड रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्लूमी पिक्चर. पोएम रिफ्लेक्शन है, इजहार है किसका, मैनिफेस्टेशन है ग्लूमी पिक्चर, डार्क पिक्चर ऑफ सोसाइटी बिफोर वर्ल्ड वार वन. यानी उसने वर्ल्ड वार वन का बिफोर साइड दिखाई है जब वो होने जा रही थी, उसके बाद की साइड भी दिखाई जब वो लोग वहाँ से फिर दौड़ के आउटस्कर्ट एरिया में कंट्री साइड में जाते हैं. लार्कन हैज स्ट्रेंजली यूज रोमन न्यूमरल फॉर द टाइटल ऑफ पोएम. देयरफॉर द टाइटल ऑफ द पोएम इंस्टेंटली कैप्चर द रीडर्स अटेंशन एंड प्रिपेयर हिम मेंटली टू रीड समथिंग अनयूजुअल. आपको वो रोमन जो न्यूमरल्स है वो उसमें शो करता है टाइटल और आपको बताना चाह रहा है कि कोई अनयूजुअल चीज जो है वो डिस्कस करने जा रहा है. परहैप्स अनदर पर्पस ऑफ द टाइटल इज टू शो दैट इट इज समथिंग रिलेटिंग टू द एंशियंट मिथोलॉजी एंशियंट टाइम्स. वो आपको ये शो करने जा रहा है, टाइटल ये शो करता है कि कोई पुरानी चीज जो है वो डिस्कस करने जा रहा है. As the title of the poem also suggests something mythological. उसके title को देखें तो वो भी एक mythology लगता है, जैसे कोई ancient Greek की mythology हो. In fact, दरहकीकत या दरअसल, the selection of the title does much to create an impression about the poem to impress the reader at the very outset. And very interestingly, in 1914, not the selection but the presentation of the title. लेकिन जो प्रेजेंटेशन है टाइटल की वो जरा देखिएगा, ऐड कर लें प्लीज. हाँ जी, the poem shows a contrast between the urban and the rural life. The poem is divided into four stanzas. First two stanzas depict the life in an urban area, while the last two stanzas reflect the life in a countryside. Countryside ka matlab hota hai village. However, in the presentation of both of these lives, there remain an overall sad atmosphere. दोनों के अंदर आपको सैड एटमॉस्फेयर मिलेगा. अगर आप दोनों को देखें, टू स्टैंजास जो उसके फर्स्ट टू स्टैंजास हैं उसको देखें और लास्ट टू स्टैंजास को देखें, तो दोनों में आपको क्या लगेगा, दोनों में आपको पेसिमिज्म मिलेगी, डार्क साइड मिलेगी, ब्लैक क्लॉथ हैं बच्चों के, डिप्रेस्ड लोग हैं, यंग नहीं मिलता, यंग सारे फाइट पे जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं, अफलास है, भूख है, सिक्के जमा कर रहे हैं, काइंस जमा कर रहे हैं और लोग क्या कर रहे हैं, चीज़ों को स्टोर कर रहे हैं, चीज़ें नहीं मिलती, पैसा नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जंग के दौरान होता है. द पोएम शोज द कंट्रास्ट बिटवीन द अर्बन एंड द रूरल लाइफ. द पोएम इज डिवाइडेड इनटू फोर स्टैंजा. द फर्स्ट टू स्टैंजा डिपिक्ट होता है शो करना द लाइफ इन अर्बन एरिया. यानी जो पहले दो स्टैंजा जो हैं वो आपको सिटी लाइफ दिखाते, आपको शहर की लाइफ दिखाते हैं, while the last two stanzas reflect the life in a countryside. लेकिन जो दो stanza remaining बाद में आते हैं वो आपको countryside village की life में, village में लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि में wheat के दरख्त जो हैं उन्होंने उसको ढांप लिया, उनके नाम मिल गए हैं, उनकी जो dimensions जो हैं वो मिट गई हैं और वो उनकी boundaries जो हैं वो उनके ऊपर भी weeds जो हैं वो चढ़ गई हैं, तो वो बड़े मासूम से लोग हैं, सादा से लोग हैं वो as compared to city life. However, in the presentation of the both of these lives, there remains an overall a sad atmosphere. The word and phrase just ironic tones and depressed feelings of the poet.
The language of the poem is simple, but the style is a little bit ambiguous. Style ambiguous है. Style इतना ambiguous है कि ये poem जो अभी मैंने आपको पढ़ाई है, मैं अगर आपको 100 दफा भी पढ़ा दूँ, आपको समझ नहीं आएगी अगर मैं इसको relate ना करूँ इसके background के साथ. अगर मैं आपको 1914 से लेके 1918 की जो life है, जो उस वक्त की जो fight है, उस war को discuss नहीं करता, तो ये आपको मैं 100 दफा भी पढ़ाता तो ना समझ आती. Standing as patiently as if they were, यानी वो बड़े सबर से खड़े हैं. Standing as patiently as if they are were stretched outside. वो बाहर तक फैले हुए, outside तक फैले हुए. The ovals are the vela parks. यानी अपने आप को ऐसे consider कर रहे हैं जैसे किसी oval या vela park एक entertainment की place है, वहाँ आए हुए हैं. And mustached archaic face. Archaic face का मतलब होता है पुराने चेहरे, और उनकी mustache होता है मूछें. Indicates in the passions of the volunteers. ये उनको, ये मूछों का जो होता है ना, ये basically pride की अलामत है. बड़ी बड़ी मूछें लोगों ने रखी होती हैं, वो चमक रही हैं, वो कहता है. अब ये इससे जाहिर होता है कि ये pride की, ये as a volunteer, ये as a volunteer लोगों को वो शो कर रहा है. 1965 में जब कहते थे हाँ जी कौन कौन है जो अपने कंट्री के लिए फिदा होना चाहता है, हाँ जी नाम बताएं कौन सा है जो अपने कंट्री के लिए फिदा होना चाहता है, लोग कहते हैं सारे फौजी जो हैं, सारे जो सारे सोल्जर आगे आगे थे, वो कहते जी हम अपनी जान फिदा करने के लिए तैयार हैं पाकिस्तान के लिए. Standing as patiently as if they were stretched outside the oval or Vela Park, and mustached archaic face indicate in the passions of the volunteers to participate in the war. Yani wo volunteer as a work karne ke liye apne country mein bagair tanha ke work karne ke liye tayar hain. Shut shops, bleached names, dark clothes, children, too present are dull pictures of the routine life. ये सारे जो मैंने अभी नाम पढ़े हैं, shut shop, shut का मतलब ये भी negative sides show करता है, bleach मिटना किसी चीज़ का, नामों का, dark clothes, children, ये भी too present, dull picture of routine life. There is a marked tinge of sadness in the description of urban and rural life. The men leaving the garden tidy mean that the most of the people have migrated to countryside. यानी बहुत सारे लोग जो हैं वो शहर से गांव चले गए हैं, वहाँ पे बमबारी हो रही है, लोग मर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे हमले ना हों. Whilst they are going there is no one to take cares of the garden. अब वो छोड़कर आ गए हैं, अब उनके गार्डन जो है वहाँ उजाड़ है, वीड है, झाड़ियाँ हैं, ख़त्म हो रहे हैं गार्डन. बड़े बड़े गार्डन से आए ना, अमीर लोग थे तो अपने घर छोड़ के कहाँ गांव में आ गए. द लॉन्ग अनइवन लाइन स्टैंडिंग पेशेंटली शोज द वॉलंटियर सोल्जर बिफोर, यानी जो लंबी लाइन है वो वॉलंटियर सोल्जर बनने के लिए लोग आ रहे हैं. बिफोर द वार एंड दे आर वेडिंग टू पार्टिसिपेट इन दिस वे, देयर मैरिज आर कमिंग टू एन एंड बिकॉज ऑफ देयर डेथ इन द वार. यानी जब वो लोग जाएंगे तो मैरिज जो है वो खुद ब खुद एंड हो जाएंगी, वाइफ जो है वो विडो बन जाएंगी, लोग मर जाएंगे लड़ लड़ के जंग में, और वहाँ पे तो है ही मौत. बहुत बड़ी एक वर्ल्ड वार वन जो है वो चल रही थी. तो ये है 1914 से 1918 तक. राइटर है हमारा फिलिप लार्कन. 1922 में पैदा हुआ, 1985 में इसकी डेथ हुई है. एक पैसिमिस्टिक आइडिया देता है, नेगेटिव साइड दिखाता है, रिफ्लेक्शन देता है, मेडिटेशन शो करता है, कंटेम्पलेशन शो करता है, नॉस्टैल्जिक नॉलेज अपना यूज़ करता है, और इस तरह की चीज़ें ये लिखता है. पहले ये इन्फ्लुएंसर TS एलियट से और WH ऑर्डन से, ये आप लिखेंगे अगर इसके बारे में लिखेंगे, और बाद में ये इन्फ्लुएंस्ड हुआ थॉमस हार्डी से. थॉमस हार्डी एक फैटलिस्ट था, हमने थॉमस हार्डी को पढ़ा, वो एक फैटलिस्ट था, नेचुरलिस्ट था. हमने उसके बारे में पढ़ा कि थॉमस हार्डी क्या था, पैसिमिस्ट था, डार्क साइड दिखाता था, ट्रेजेडी दिखाता था और कोइंसिडेंस दिखाता था. हमने पढ़ा रिटर्न ऑफ द नेटिव, और हमने टेस्ट ऑफ द डर्बेविल को पढ़ा एमए इंग्लिश में पार्ट वन में, तो उसमें भी यही दिखाया गया, कोइंसिडेंस, फेट. और कहता है वी आर पपट इन द हैंड ऑफ फेट, फेट के हाथों हम मजबूर हैं. और ये भी ऐसे ही दिखाता है, डार्क साइड दिखाता है, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस था
पहली लाइफ जो है इसकी जो इमेच्योर पोइट्री है वो डब्ल्यू एच ऑर्डन और टी एस सी, मेच्योर पोइट्री इसकी इन्फ्लुएंस्ड है थॉमस हार्डी से। Stay blessed and have a nice time. So nice of you. I hope you have got each and every point related to this point.